हाय दोस्तों, पिछले काफी सारे वीडियोस के अंदर हमने डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के ऊपर मेजरली फोकस किया है। लेकिन क्या होता है ना, इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गया होगा। काफी चीजें अब ऐसा होगा जो कि याद नहीं रख पा रहे हो, है ना। सारी चीजें ए टू जेड याद रख पाना चलो एक दिन पॉसिबल हो सकता है, किसी के लिए एक हफ्ता, किसी के लिए एक महीना, लेकिन लॉन्ग टर्म में इतनी सारी बातें एक साथ याद रख पाना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो इन पर्टिकुलर बना रहा हूं, क्योंकि डीसी मशीन के अंदर कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इतना मेजर हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उसको रिलेट कर पाना या उसको कैरी कर पाना डिफिकल्ट है। तो आज हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसकी समरी के बारे में, ठीक है। तो इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जो जो चीजें अब तक पढ़ी हैं सभी को समराइज करवाऊंगा। तो अगर पीछे के लेक्चर सारे नहीं भी देखे हैं तो भी इसको, अगर पहले थोड़ा बहुत मशीन पढ़ चुके हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो से आपको एक कंप्लीट आइडिया हो जाएगा, ताकि जब कभी आगे भी रिविजन करना हो ना तो पूरा कंस्ट्रक्शन वन बाय वन दोबारा मत देखना, सिर्फ क्या देख लेना, ये वाला वीडियो देख लेना, और कहीं अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है तब उसके रिलेटेड वीडियो व्यू करना, ठीक है। क्योंकि बार बार इतना वाइड वे में कोई भी सब्जेक्ट कवर कर पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो स्टार्ट करें। अब देखो, डीसी मशीन जब मैंने शुरू किया था, सबसे पहले मैंने एप्लीकेशन वाला पार्ट बताया था। मैंने ये बोला था डीसी जनरेटर्स का यूज धीरे धीरे कम हो गया क्योंकि रेक्टिफायर्स आ गए, और वहीं डीसी मोटर का यूज अभी भी किया जाता है ट्रैक्शन में, बैटरी ड्रिवन व्हीकल्स में, छोटे छोटे रेजर्स में, इन सब में डीसी मोटर का काम अभी भी आता है। फिर मैंने आपको बताया था रोटेटिंग मशीन के अंदर बेसिक चीजें क्या क्या होती हैं, एक स्टेटर होता है और एक रोटर होता है। तो डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम बात करें तो डीसी मशीन में स्टेटर पे हम लगाते हैं फील्ड वाइंडिंग और रोटर पे हम लगाते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है भाई, फील्ड वाइंडिंग का काम है टू जनरेट फ्लक्स, आर्मेचर वाइंडिंग का टू कैरी द सोर्स और द लोड करंट। ये बेसिक बातें हम लोगों ने देखी थी। फिर मैंने बोला था एसी मशीन्स के अंदर स्लिप रिंग यूज होती है और डीसी मशीन के अंदर स्प्लिट रिंग यूज होती है। तो हमने देखा था एसी मशीन्स, इसमें स्लिप रिंग और उसके साथ में ब्रशेस, और डीसी मशीन्स इसके अंदर कम्यूटेटर और उसके साथ में ब्रशेस, ऐसा हमने देखा था। फिर मैंने आपको बताया था होमोपोलर और हेट्रोपोलर डीसी जनरेटर। मैंने बोला था होमोपोलर में सारे पोल्स एक ही टाइप के होते हैं तो वहां डायरेक्टली डीसी जनरेट होती है, हेट्रोपोलर में पोल्स नॉर्थ साउथ होते हैं तो वहां एसी जनरेट होती है। लेकिन हेट्रोपोलर डीसी होमोपोलर डीसी जनरेटर महंगा होता है, इसीलिए किसका यूज करते हैं, हेट्रोपोलर। और हेट्रोपोलर के अंदर हमेशा मशीन चाहे डीसी हो या एसी हो, हेट्रोपोलर मशीन में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज एसी। ये हमने देखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा एसी होता है, और इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कौन कर देता है, कम्यूटेटर। फिर मैंने आपको एसी जनरेटर की वर्किंग बताई थी, वहां प्रूफ किया था एसी ईएमएफ बनता है, और डीसी जनरेटर में भी प्रूफ किया था एसी ईएमएफ बनता है, लेकिन बाहर कम्यूटेटर के कारण हमें डीसी मिलता है। फिर हमने ये बोला था अगर डीसी मोटर में स्प्लिट रिंग की जगह स्लिप रिंग लगा दो, यानी डीसी मोटर के अंदर कम्यूटेटर ना लगा के स्लिप रिंग लगाई जाए, तब क्या होता है, जो टॉर्क होता है वो ऑसिलेटिंग होता है, यानी आधी साइकिल में क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करता है और बाकी आधी साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज, तो मोटर कंप्लीट रोटेशन नहीं ले पाती है, और इसीलिए वहां कम्यूटेटर यूज करके मोटर का कंप्लीट रोटेशन बना सकते हो। ये सब कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद हम कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट पे आए थे। तो सबसे पहले मैंने योक के बारे में पॉइंट याद रखने के लिए क्या बोला था, योक
कैरीज कितना फ्लक्स ले जाता है, फाई बाय टू, जहां पे कि फाई क्या है, फाई इज द फ्लक्स पर पोल, इतना फ्लक्स कैरी करता है योक। योक के बाद हम लोग किस पार्ट पे आए थे, योक के बाद हम आए थे फील्ड वाइंडिंग या फील्ड मैग्नेट के बारे में बात करने। जब फील्ड मैग्नेट के बारे में बात की थी तो मैंने बोला था पोल कोर के अंदर कोई ऐसा खासा कॉन्सेप्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट अपने लिए था पोल शू। पोल शू में याद रखने वाली बात मैंने क्या बताई थी कि शैम्फर्ड पोल शू अगर लेते हो या शैम्फर्ड पोल, तो इसमें साइनोसोइडल फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस होती है, और अगर आर्क शेप्ड पोल शू लेते हो तो इसके अंदर फ्लैट टॉप्ड फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए डीसी मशीन के अंदर आर्क शेप्ड का यूज करते हैं और एसी मशीन में शैम्फर्ड, लेकिन कभी कभी डीसी मशीन में भी शैम्फर्ड पोल्स पे आ जाते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन। फिर मैंने एक बात बोली थी, कर्व ऑफ बी वर्सेस थीटा, ये मैंने प्रूव भी किया था, इज सेम एज कर्व ऑफ ई वर्सेस ओमेगा टी। ठीक है, एक चीज हमने ये भी देखी थी, इलेक्ट्रिकल एंगल इज पी बाय टू मैकेनिकल एंगल, और ये जो होता है ये इलेक्ट्रिकल एंगल होता है, थीटा यहां पे मैकेनिकल एंगल नहीं होता है। ठीक है, इट इज इलेक्ट्रिकल एंगल। ये मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या देखा था, पोल शू के बाद हमने फील्ड वाइंडिंग के बारे में बात की थी। तो मैंने बोला था फील्ड वाइंडिंग अगर आर्मेचर के शंट में जुड़ेगी, शंट में जुड़ने में इसके नंबर ऑफ टर्न्स मोर होंगे और क्रॉस सेक्शन एरिया लेस लिया जाता है और इसका करंट भी लेस होता है। सीरीज वाइंडिंग अगर लेते हो, वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में अगर जुड़ेगी, कौन सी वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, फील्ड वाइंडिंग की, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स हम लोग कम लेके चलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का ज्यादा लेके चलते हैं, और इसका आई एफ आई ए के बराबर होता है, इसीलिए ये हाई होता है। ये बात हो गई थी फील्ड वाइंडिंग की। फिर फील्ड वाइंडिंग को कवर करने के बाद हम गए थे कम्यूटेटर पे। कम्यूटेटर के अंदर मैंने क्या बताया था कि कम्यूटेटर के पर्पजेस याद रखना, क्या क्या पर्पज थे कम्यूटेटर के, एसी टू डीसी कन्वर्जन इन केस ऑफ जनरेटर, फिर दूसरा डीसी टू एसी कन्वर्जन इन केस ऑफ मोटर, और तीसरा रोटेट्स आर्मेचर एमएमएफ एट सेम स्पीड एज फील्ड एमएमएफ। ठीक है, और डीसी मशीन के अंदर ये आर्मेचर एमएमएफ को स्टेशनरी रखता है। और देखो ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर कवर किया था कि अगर दोनों एमएमएफ आपस में स्टेशनरी नहीं हुए तो जो भी टॉर्क बनता है वो ऑसिलेटिंग बनता है, इसीलिए मशीन के अंदर स्मूथ रोटेशन नहीं आ सकती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने देखी थी। अब कम्यूटेटर के बाद हम गए थे आर्मेचर कोर के बारे में बात करने। पहले हमने ब्रशेस के बारे में बात की थी, तो पहले ब्रशेस के बारे में बात कर लेता हूं। कम्यूटेटर के बाद हमने बात की थी ब्रशेस के बारे में। अब हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि ब्रशेस कार्बन से बनते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ ब्रश किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर, है ना। नंबर ऑफ ब्रश हमेशा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ के बराबर होते हैं। तो अगर मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग लेते हो तो B इक्वल टू A इक्वल टू एम पी, यानी डुप्लेक्स में 2 और ट्रिप्लेक्स में 3, और अगर मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग लेते हो तो B इक्वल टू A इक्वल टू 2M।
ये चलता है ब्रशेस के अंदर, ठीक है। और ब्रशेस के अंदर कार्बन का जो रीजन होता है वो मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल मटेरियल में कवर करा दिया था, ल्यूब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। बट इसके अंदर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली बात, ये तो नंबर ऑफ ब्रशेस हो गए और एक ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप हमेशा लिया जाता है चाहे कितने भी ब्रश लगे, 2 × वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ईच ब्रश, ठीक है। और ये 2 वोल्ट आ जाता है इन केस ऑफ कार्बन, ज्यादातर क्वेश्चन के अंदर यही डेटा यूज किया जाता है। और जब तक ब्रश का ड्रॉप ना दिया जाए उसको यूज मत करना। फिर ब्रशेस के बाद हम आर्मेचर कोर के बारे में बात किए थे, आर्मेचर कोर का मैं यहीं लिख देता हूं, उसमें हमने बस ये याद रखना था आर्मेचर कोर के अंदर कि डीसी मशीन में हमेशा यूज होते हैं ओपन स्लॉट्स, ठीक है। और इसका मैंने बोला भी था कि मैं ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा जब हम इंडक्शन मशीन कवर करेंगे, वहां स्लॉट्स की सारी शेप हम लोग कवर करेंगे। फिर काफी लंबे टॉपिक पे हम लोग चले गए थे, दैट वाज आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये याद है सभी लोगों को कि कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड क्या था। कॉन्सेंट्रेटेड माने जब एक कॉइल दो ही स्लॉट्स के अंदर बांध दी जाती है तो कॉन्सेंट्रेटेड, जब दो से ज्यादा स्लॉट लगते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर मैंने बताया था ओपन एंड क्लोज्ड वाइंडिंग, ओपन वाइंडिंग खत्म होती है स्लिप रिंग पे, क्लोज्ड वाइंडिंग जिस पॉइंट से शुरू होती है उसी पॉइंट पे खत्म होती है। फिर हमने ये भी बोला था कि एक टर्न जो होता है वो दो कंडक्टर से बनता है प्लस उसमें ओवरहैंग मटीरियल होता है, ओवरहैंग मटीरियल एनर्जी कन्वर्जन का हिस्सा नहीं बनता है। एक कॉइल एन टर्न से बनती है और एक कॉइल दो कॉइल साइड से बनती है, ठीक है। तो टू कॉइल साइड इक्वल टू एन टर्न्स या टू एन कंडक्टर, इसीलिए वन कॉइल साइड आती है वन कंडक्टर के बराबर, ठीक है। इसके बाद हमने शॉर्ट पिचिंग के बारे में भी बात की थी, लेकिन शॉर्ट पिचिंग सिंक्रोनस में ज्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा तो अभी के लिए उसे छोड़ सकते हो। फिर मैंने टर्म बताई थी पोल पिच, पोल पिच होता है दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस, ये कितना होता है 360/P डिग्री मैकेनिकल, या हमेशा ये होता है 180° इलेक्ट्रिकल। और मैंने ये भी बताया था 180° इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है कि दोनों पोल्स के नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाने से उस कॉइल में बनने वाला ईएमएफ भी रिवर्स हो जाता है। पोल पिच हमने देखा था, पोल पिच के बाद हमने बात की थी कॉइल स्पैन की। कॉइल स्पैन होता है कि एक कॉइल कितने स्लॉट्स ऑक्यूपाई करती है, और इसमें भी जब हम फुल पिच की बात करते हैं तो ये आता है S/P विच इज इक्वल टू 180° इलेक्ट्रिकल, ठीक है। कॉइल स्पैन आ जाता है 180° इलेक्ट्रिकल। इसके बाद हमने बात की थी कम्यूटेटर पिच की, तो मैंने कम्यूटेटर पिच के अंदर बताया था कि एक कॉइल के दो सेगमेंट किस किस कम्यूटेटर से कनेक्टेड है उसे कम्यूटेटर पिच कहते हैं। और फिर ये हमने लैप और वेव वाइंडिंग दोनों के लिए देखा था, लैप वाइंडिंग के लिए प्लस माइनस M मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग, और वेव वाइंडिंग के लिए प्लस माइनस 2/P S प्लस माइनस M, ठीक है। या फिर इसको कई बार ऐसे भी कह देते हैं 2/P सी प्लस माइनस एम, तो मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग, डुप्लेक्स के लिए एम 2 रख दोगे, ट्रिप्लेक्स के लिए 3 रख दोगे। ये कम्यूटेटर पिच हमने देखा था। कम्यूटेटर पिच के बाद हमने क्या किया था, हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग का डिजाइन देखे थे, डिजाइन को स्किप कर सकते हो, उस पर एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का चांस कम रहता है। इसके बाद हमने कुछ टर्म्स जोड़ी थी आर्मेचर वाइंडिंग से, जैसे फ्रंट पिच। फ्रंट पिच में मैंने क्या बोला था,
इट इज डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स कनेक्टेड टू सेम कम्यूटेटर सेगमेंट. फ्रंट पिच में क्या देखते हैं, सेम कम्यूटेटर सेगमेंट. फिर हमने देखा था बैक पिच. बैक पिच में क्या होता है, एक कॉइल की दो कॉइल साइड्स के बीच का डिफरेंस, उसे बोलते हैं बैक पिच. वाइंडिंग पिच, दो सक्सेसिव टॉप या बॉटम कंडक्टर, एक के बाद एक आने वाली कॉइल के टॉप और बॉटम कंडक्टर्स के डिफरेंस को कहते हैं वाइंडिंग पिच. एवरेज पिच, ये था बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाय टू, और ये अप्रोक्सीमेटली टू टाइम्स कॉइल स्पैन आना चाहिए. फिर इनके भी हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे फ्रंट पिच बैक पिच वगैरह के. ठीक है, अगर फॉर्मूले भी याद है ना तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है. तो पहले लैप वाइंडिंग की बात कर लेता हूं. वाइंडिंग पिच होती है टू टाइम्स कम्यूटेटर पिच, और ये लैप वाइंडिंग में होती है वाई बी माइनस वाई एफ, और वाई बी होता है टू सी बाय पी प्लस माइनस के. के ऐसा होना चाहिए जो इसको क्या बना दे, ऑड. वेव वाइंडिंग में क्या पता होता है, वाइंडिंग पिच होती है टू वाई सी वाई बी प्लस वाई एफ, इतना ही पता होता है. और yb प्लस yf बाय टू एवरेज पिच किसके बराबर आनी चाहिए, टू टाइम्स द कॉइल स्पैन. ठीक है, तो ये चीजें हमें लैप और वेव वाइंडिंग के बारे में ऑलरेडी मालूम होती हैं. और फिर हमने ये भी देखा था कि इन फॉर्मूलेस की मदद से किस तरह से आर्मेचर वाइंडिंग डिजाइन की जाती है. फिर आर्मेचर वाइंडिंग से रिलेटेड हमने और टर्म्स पढ़ी थी, जैसे मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग. सिर्फ क्या होता है मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ बढ़ जाते हैं, A इक्वल टू एम पी और 2M. ये होता है लैप और ये होता है वेव, जिसकी वजह से ब्रशेस बढ़ जाते हैं और कम्यूटेटर पिच भी मैंने तुम्हें मल्टीप्लेक्स के हिसाब से लिखवा दिए. तो इसमें क्या होता है, एक ही वाइंडिंग के अंदर कई सारे क्लोज पाथ बनते हैं जिससे कि पैरेलल पाथ बढ़ जाते हैं. फिर मैंने एक टर्म बताई थी स्प्लिट कॉइल. स्प्लिट कॉइल में मैंने क्या बताया था, अगर दो कॉइल्स ऐसी हैं जिनके टॉप साइड एक साथ हैं और बॉटम साइड अलग अलग स्लॉट में हैं, तो उसे बोलते हैं स्प्लिट कॉइल. और स्प्लिट कॉइल को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, वरना अलग अलग कॉइल की साइजिंग अलग अलग आ जाती है. ठीक है, इसके बाद हमने देखा था डमी कॉइल. डमी कॉइल में हमने बोला था जितने स्लॉट का आर्मेचर चाहिए, अगर उतने स्लॉट का आर्मेचर नहीं मिलता तो कुछ स्लॉट में कॉइल को दोनों तरफ से टेप लगा के छोड़ दिया जाता है ताकि मैकेनिकल बैलेंसिंग भी रहे और उन कॉइल्स का एनर्जी कन्वर्जन में कोई रोल नहीं होता. फिर हमने देखा था सर्कुलेटिंग करंट. सर्कुलेटिंग करंट मैंने बताया था कौन सी वाइंडिंग में आता है, लैप वाइंडिंग में, क्योंकि वहां एक पैरेलल पाथ दो ही पोल्स के नीचे लाई करता है, तो कोई भी पोल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाने से उसका ईएमएफ बदलता है, विच लीड्स टू सर्कुलेटिंग करंट. और सर्कुलेटिंग करंट अनअवॉइडेबल है, बट उसको ब्रशेज में जाने से रोक सकते हो बाय मींस ऑफ इक्वलाइजर कनेक्शन. तो इक्वलाइजर कनेक्शन में हम क्या करते हैं, जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं उन्हें आर्मेचर के अंदर ही आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि सर्कुलेटिंग करंट को क्लोज पाथ अंदर से मिले, इट शुड नॉट एंटर द ब्रशेज. ऐसा हम करते हैं. आर्मेचर वाइंडिंग कवर करने के बाद हमने ईएमएफ की डिपेंडेंस देखी थी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ पे. ठीक है, तो हमने ये बोला था ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, आर्मेचर करंट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, आर्मेचर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ स्क्वायर, और पावर प्रोपोर्शनल टू A टू दी पावर जीरो, दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ. ये सारी चीजें देखी थी. अब इसके बाद हम कम्यूटेशन पे आ गए थे. कम्यूटेशन में मैंने क्या बताया था, इट इज अ प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल इन अ कॉइल. इसके अंदर हमने बात की थी रेजिस्टेंस कम्यूटेशन, सर्कुलेटिंग करंट घटाने के लिए हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस का यूज कर सकते हैं, तो दैट इज रेजिस्टेंस कम्यूटेशन.
और ये कहाँ किया जाता है, स्मॉल डीसी मशीन में, क्योंकि लार्ज डीसी मशीन के अंदर एफिशिएंसी कम हो जाती है। फिर हमने देखा था डिलेड कम्यूटेशन, डिलेड कम्यूटेशन में मैंने बोला था एक रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस होती है, और वो रिएक्टेंस वोल्टेज कैसे लिखी जाती है, ईसी इज एल सी डी आई बाय डी टी, और ये करवाती है स्पार्किंग। फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे पहुंचे थे, दैट वॉज आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, इस पे भी हमने काफी फोकस किया था। आर्मेचर रिएक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था, आर्मेचर का जो फ्लक्स है दैट इज इन रिस्पॉन्स टू फील्ड फ्लक्स, उसे कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या बोला था, आर्मेचर रिएक्शन आने का कारण क्या होता है कि जब फील्ड फ्लक्स होता है वो आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस कराता है, ईएमएफ इंड्यूस होने से आर्मेचर में करंट आता है, और करंट आने से जो फ्लक्स बनता है उसे हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन का ये कॉन्सेप्ट था। आर्मेचर रिएक्शन के ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, ठीक है, इसको चाहो तो वीडियो पॉज करके ना अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ड्रॉबैक मैंने दो बताए थे, दो ड्रॉबैक हमारे क्या क्या थे, फर्स्ट डिस्टॉर्शन ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स, सेकंड रिडक्शन ऑफ द मेन फील्ड फ्लक्स। अगर फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है तो ईएमएफ और टॉर्क कम हो जाते हैं, और डिस्टॉर्शन से इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इन कम्यूटेशन और इट कॉजेज स्पार्किंग। फिर मैंने तुम्हें यह बताया था कि आर्मेचर रिएक्शन जो है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, क्योंकि वो फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर आता है। फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा था इसके अंदर जीएनए और एमएनए का। जीएनए क्या होती है, जो फील्ड फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है, और एमएनए रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है, और ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन इन दोनों के बीच में आ जाता है शिफ्ट। न्यूट्रल एक्सिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये वो एक्सिस है जिसपे रखी कॉइल में जीरो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। कोई पूछे क्यों, क्योंकि यहां वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होते हैं, तो वी क्रॉस बी आ जाता है जीरो। तो जीएनए और एमएनए का कॉन्सेप्ट हमने देखा था। फिर हमने ये बोला था अगर ब्रशेस को जीएनए पे रखा है तो जीरो ईएमएफ एमएनए पे मिलेगा, लेकिन ब्रश कहां पे है, जीएनए पे, तो जो कॉइल शॉर्ट सर्किट होगी उसमें ईएमएफ जीरो नहीं होगा, जिसके कारण आएगा स्पार्किंग। फिर हमने ये बोला था आर्मेचर रिएक्शन एक पोल टिप पे फील्ड फ्लक्स को बढ़ाता है और दूसरी पोल टिप पे घटाता है, जिसको हमने बोला था स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग। लेकिन हमने ये भी बोला था कि स्ट्रेंथनिंग इज बेसिकली लेस देन वीकनिंग ड्यू टू सैचुरेशन, इसीलिए ओवरऑल क्या मिलता है, रिडक्शन। इसमें मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था लीडिंग और ट्रेलिंग पोल टिप का, कि जिस पोल टिप के अंदर कॉइल एंटर करे वो लीडिंग, और जिससे वो लीव करे वो ट्रेलिंग। लीडिंग और ट्रेलिंग का देखा था, और फिर लीडिंग ट्रेलिंग की टर्म्स में हमने स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग देखा था कि जनरेटर के अंदर क्या होता है और मोटर के अंदर क्या होता है। जैसे जनरेटर में देखा था लीडिंग में वीकनिंग होता है और ट्रेलिंग में स्ट्रेंथनिंग, और मोटर में लीडिंग में स्ट्रेंथनिंग और ट्रेलिंग में वीकनिंग, ऐसा हम लोगों ने देखा था। अब इसके बाद हमने क्या देखा था कि आर्मेचर रिएक्शन का रिडक्शन कैसे कर सकते हो, जिसमें हमने बोला था शैम्फर्ड पोल्स यूज कर लो, लैमिनेटेड पोल्स यूज कर लो, फील्ड पोल्स के अंदर होल्स कर दो, या फिर ब्रश शिफ्टिंग। ब्रश शिफ्टिंग में मैंने बताया था अगर ब्रशेस को शिफ्ट करना है तो किस डायरेक्शन में करना होता है, जनरेटर के पैरेलल और मोटर के एंटी पैरेलल, पैरेलल टू जनरेटर एंड एंटी पैरेलल टू मोटर। और जनरेटर या जनरेटर के पैरेलल और मोटर के एंटी पैरेलल शिफ्ट करने से क्या होता है, यहां आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में डिवाइड हो जाता है। फिर हमने यहां पे डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स भी देखे थे। डीमैग्नेटाइजिंग थे 2θ/180 IA/A Z/2P, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स क्या थे, 180-2θ/180 IA/A Z/2P, ये हमने देखा था। और इस वजह से फ्लक्स रिड्यूस हो जाता है। और फिर हमने देखा था अगर उल्टी शिफ्टिंग करते तो डी मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नहीं,
मैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता, अपोजिट शिफ्टिंग में इफेक्ट उल्टा आता है, ठीक है। फिर ब्रश शिफ्टिंग में हमने क्या बोला था, ब्रशेस को जब शिफ्ट कर देते हैं तो आर्मेचर रिएक्शन हमेशा ब्रशेस के अलोंग लाई करता है, इस वजह से आर्मेचर रिएक्शन भी शिफ्ट होता है और एमएनए वापस से शिफ्ट हो जाती है, तो कभी भी एमएनए को कैच नहीं कर सकते। और इसके बाद हमने एक बात और बोली थी कि ब्रश शिफ्टिंग कितना करना पड़ेगा, दैट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन आर्मेचर करेंट एंड दैट इज वाई ब्रश शिफ्टिंग इज नॉट अ सूटेबल मेथड। इसके बाद हमने बोला था कि सूटेबल मेथड क्या होता है, इंटरपोल। इंटरपोल में मैंने क्या बताया था, इसकी पोलैरिटी मेन फील्ड पोल अहेड, अगले मेन फील्ड पोल जैसी होती है इन केस ऑफ जनरेटर, मेन फील्ड पोल बिफोर पिछले मेन फील्ड पोल जैसी होती है इन केस ऑफ मोटर। और इंटरपोल्स को क्यू एक्सिस पे या इंटरपोलर रीजन में लगाया जाता है, जिससे कि ये क्यू एक्सिस पे जो रखी कॉइल है उसमें जो ईएमएफ बनता है उस ईएमएफ को कैंसिल आउट करता है। तो इंटरपोल का काम क्या होता है, टू इंप्रूव कम्यूटेशन। और इंटरपोल का एमएमएफ थोड़ा ज्यादा ही रखते हैं सो दैट इट कैन कैंसिल द रिएक्टेंस वोल्टेज, और ये पूरे आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल नहीं करता। और इसकी शेप कैसी होती है, नैरो, ताकि ये एक ही कॉइल को अफेक्ट करें। फिर हमने देखा कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, इसको कहां रखा जाता है, इसको मेन फील्ड पोल के अंदर लगाते हैं और ये पोल के अंडर आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल आउट कर देती है। और इसका एमएमएफ कितना रखते हैं, एम्पियर टर्न्स कह दो या एमएमएफ कह दो, ये हमने पढ़ा था पोल आर्क बाय पोल पिच इनटू आईए बाय ए इनटू जेड बाय टू पी, इतना एमएमएफ लेके चला जाता है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग के अंदर। और ये आर्मेचर रिएक्शन को अंडर द पोल कैंसिल करती है और इससे जो हमारा फ्लक्स डेंसिटी आता है वो आ जाता है फ्लैट टॉप्ड, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर कवर की हैं। मानता हूं काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हर पॉइंट का पूरा पूरा डेरिवेशन हमें याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहने चाहिए। किसी भी एग्जाम में अटेम्प्ट करते हो तो उसके अंदर इस सब टॉपिक से थ्योरी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके जा सकते हो। और थ्योरी क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका ये है कि टॉप ऑफ द माइंड ये बातें रहनी चाहिए, जो छोटी छोटी बातें हैं ना ये एकदम टॉप पे रहनी चाहिए। अब अगर कहीं एनालिसिस करना पड़ जाए, थोड़ा अंदर जाना पड़ जाए, तब तुम्हें डिटेलिंग बनानी आनी चाहिए कि कैसे डॉट और क्रॉस बनाते हैं, कैसे पूरा डीसी मशीन का एनालिसिस करते हैं। वो सब चीजें तब काम आएंगी जब वो तुमसे थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो अगर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत जगह तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो इतनी सब बातें याद रखते हो तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऐसा मत सोचो ये सब चीजें रटनी है, ये सब कंसेप्चुअली है। ऑलरेडी तुम इतने सारे वीडियोस देख के ये सब बातें समझ चुके हो, तब मैं इतना जल्दी जल्दी इन सबको गो थ्रू कर रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहले नहीं पढ़ा और सीधा ये चीजें देखोगे और एकदम से क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्लैरिटी सिर्फ तब मिलेगी जब पिछले वीडियोस देख चुके हो या मशीन के अंदर कहीं ना कहीं पहले कोई बैकग्राउंड रहा है, ठीक है। तो थ्योरी पार्ट को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब आगे की जितनी बातें करेंगे वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो से मेनली हम उन कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।